and welcome back to my channel Tips and Tricks. I'm Pooja. Hope you all doing well. If you are new to my channel, please subscribe and hit the bell icon so you will get notification every time when I upload new video. So, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपकी ग्लोइंग स्किन की. क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल. आप एक बहुत ही ज्यादा यंग लुकिंग, एक बहुत ही ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं और इन जस्ट 7 days. यस, इट इज राइट. तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी डल स्किन से परेशान हैं, बहुत फाइन लाइंस, रिंकल्स हो रहे हैं. आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा लगते हैं. आप अगर आप 20 साल के हैं तो आप 25-30 के लगते हैं. तो आप अगर अपनी स्किन से इतना ज़्यादा परेशान हैं तो आप बहुत ही सही वीडियो देख रहे हैं. यस, इस वीडियो में मैंने बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. सबसे पावरफुल हमारा इंग्रेडिएंट है ब्रेड. आपको पता भी नहीं होगा कि ब्रेड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के लिए. बहुत सारे वीडियोज़, बहुत बड़े बड़े ब्यूटी ब्लॉगर्स, बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्यूटी ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं इस चीज़ को और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें मैदा होता है. मैदा जितनी ही ज़्यादा बैड कैलोरीज लेके आता है आपकी बॉडी के लिए, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके स्किन के लिए है. आपके स्किन को ये इतना बढ़िया ग्लो देगा, बहुत आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स, बहुत सारे दाग धब्बे होने लगे हैं आपकी स्किन में, झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं. तो एक बहुत ही यंगर लुकिंग स्किन देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. और हमने इसमें यूज़ किया है एप्पल साइडर विनेगर. आपको पता भी नहीं होगा एप्पल साइडर विनेगर कितना ज़्यादा अच्छा है. ट्रस्ट मी, मैंने इसको खुद यूज़ किया है और आई हैव सीन ग्रेट रिजल्ट्स. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाए, आप भी बहुत अपनी जितनी उम्र के हैं आप उतने ही उम्र के दिखें, तो इस वीडियो को देखें और ये सारी चीज़ें यूज़ करें. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है तो इसको आप कुछ दिन तक और ट्राई करें. इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी. आप धीरे धीरे इसका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देख पाएंगे. सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या यूज़ किया है और कैसे कैसे मेथड यूज़ किए हैं. आपको बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्लेंजर बनाने के लिए हम इसमें लेंगे रॉ मिल्क 2 टेबलस्पून. अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन. बेसन आपके लिए स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ये आपके फेस को बहुत ही जेंटल तरीके से क्लीन करता है. अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई इसमें लम्स ना रह जाएं. और मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आप देख सकते हैं. अब हम इसे अपने पूरे फेस पर लगाएंगे. बहुत ही अच्छे से लगाना है, बहुत फोर्स नहीं लगाना है आपको और बहुत हल्के हाथों से एक अच्छी सी मसाज देनी है. जैसे हम फेस वॉश करते हैं बिल्कुल आपको वैसे ही फेस वॉश करना है इससे. बेसन हमारी स्किन पे एक नेचुरल क्लेंजर का काम करता है. आपको इस फेस वॉश को डेली यूज़ करना है. यह आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाएगा. अब मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब हम इसे डैप डैप करके पोछेंगे. आपकी स्किन को रगड़ना नहीं है और आप देख सकते हैं कि एक ही स्टेप से मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ही क्लीन हो चुकी है. इस ब्रेड फेस मास्क को बनाने के लिए हम लेंगे एक ब्रेड और आपको इस ब्रेड का किनारा निकाल देना है. हमें इसका फेस मास्क में यूज़ नहीं करना है. और अब इस ब्रेड को हम सोक करेंगे रॉ मिल्क में. याद रहे आपको कच्चा दूध लेना है, पका हुआ दूध आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे. अब इसे हम सोक करने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे. 5 मिनट के बाद ये अच्छे से आप इसको तोड़ लीजिए. 5 मिनट के बाद आप इसको ब्रेड को तोड़ लीजिए और इसे मिक्स करिए. रॉ मिल्क में ही आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए ब्रेड. और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो जूस. टमाटर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. अब हम इसे मिक्स करेंगे. अब ये हमारा फेस मास्क हमारी फेस पे अप्लाई करने के लिए रेडी है. अब इस फेस मास्क को हम अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे. तो चलिए अब इस फेस मास्क को अपने पूरे फेस पर लगाते हैं. एक बार इसको हल्का सा मिक्स करके अपने पूरे फेस पे मैं लगाऊंगी. रॉ मिल्क में बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इसमें बहुत सारे विटामिंस एंड मिनरल्स होते हैं
जो हमारी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही अच्छा रखते हैं। अब ये पूरे फेस मास्क को आप लगा के अपने नेक पे भी थोड़ा लगाना है। इसे अच्छे से नेक पे लगाने के बाद आपको इसे थोड़ा सा सूखने देना है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस आपको 5 से 7 मिनट तक इसको लगा के रखना है। और अब फिर ये हमारा फेस मास्क सूख चुका है, अब हम इसे धुलेंगे। और धुलने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ग्लो आया है। सोचिए अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन कैसी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। बेसन हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा पावरफुल इंग्रेडिएंट है। टोनर बनाने के लिए हम लेंगे एप्पल साइडर विनेगर। आपको याद रहे एप्पल साइडर विनेगर ऑर्गेनिक होना चाहिए और ये अनफिल्टर्ड होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अनफिल्टर्ड लिया है, क्योंकि फिल्टर्ड में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं, जो हमारी स्किन तक नहीं पहुंचते हैं। एक खाली कंटेनर में आपको लेना है 1/2 कप पानी। इस टोनर को बनाने के लिए मैंने कॉपर कंटेनर में पानी स्टोर किया था। कॉपर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें हमें डालना है 1 टेबल स्पून ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में बहुत सारे अच्छे अच्छे विटामिन मिनरल्स होते हैं और ये आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो लाता है। इसमें हम डालेंगे एलोवेरा। आप देख सकते हैं मैंने ये बाओ का एलोवेरा लिया है। इसमें कोई भी पैराबेन, कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है और ये 99% एलोवेरा जेल है, प्योर। तो अब हम इसको 1 चम्मच इसको यूज़ करेंगे। छोटा सा टीस्पून लेना है। अब इसे मिक्स कर दीजिए। तो हमारा टोनर अब एकदम रेडी हो चुका है। मैं इसे एक क्लीन कंटेनर में, छोटे से डिब्बे में, इसमें स्टोर करके रखूँगी। आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसे 1 हफ्ते या 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका कंटेनर, आप जिस भी डिब्बे में इसको स्टोर करके रखेंगे वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और अब इसे आप रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए और आप 1 हफ्ते तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इस टोनर को अपनी स्किन पे अप्लाई करूँगी। एक कॉटन में आपको थोड़ी सी 2-3 बूंदें लेनी है, ज़्यादा नहीं, और इसको बिल्कुल डैप डैप करके अपनी स्किन पे लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। टोनर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको बहुत सारे लोग नहीं अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्किन में कुछ भी लगाने से पहले अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में जो भी नाइट क्रीम या फिर कोई भी सीरम आप लगाएंगे वो बहुत ही डीपली अब्जॉर्ब करती है आपकी स्किन। आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो चुकी है। तो हम ये सिंपल सी नाइट क्रीम बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें यूज़ किया है आमंड ऑयल और एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। आपने इसके बारे में मुझे बताने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है शायद। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और अपनी पूरी फेस पर अप्लाई करना है। जैसे आप नाइट क्रीम लगाते हैं बिल्कुल इसे वैसे ही लगाना है। आपको इसको लगाने के बाद आपको कोई भी एक्सपेंसिव नाइट क्रीम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही अच्छा अंडर आई क्रीम का काम करता है। आपके सारे डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स सारे रिड्यूस हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और ब्यूटीफुल लगने लगेगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही नेचुरल हैं, आपकी स्किन पे बिना कोई साइड इफेक्ट के बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड लव्ड वंस। आप भी जरूर चाहते होंगे कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अच्छी स्किन पा सके, तो इसको आप सबके साथ शेयर करिए और आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।